इंदौर जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा है। यह आरोपी मारुति सुजुकी कार, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट न्यायाधीश लिखा हुआ था, यह तस्करी कई समय से करते आ रहे हैं। इन आरोपियों के पास से लगभग 25 लाख की कीमत का 102 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। यह दोनों आरोपी ओडिशा से राजस्थान गांजा लेकर जा रहे थे। उसकी सूचना जब इंदौर पुलिस को लगी तो उन्होंने इंदौर की ओर आती हुई इस गाड़ी को मानपुर में आरोपियों सहित दबोचा है। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि मानपुर घाट के आगे एक व्यक्ति, जो कि स्वयं को खलगाट का रहने वाला बताता है, वह आरोपियों की गाड़ी ले गया और वापस लगभग एक घंटे में गांजा भरकर ले आया तथा दोनों की कीमत 5 लाख रुपये नकद ले गया। आरोपी मोहम्मद सईद उल पिता फैजुल्ला उम्र 23 वर्ष और दूसरा आरोपी प्रकाश पिता अमृत लाल विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष है। यह दोनों आरोपी सहारनपुर जिला राजगढ़ के रहने वाले बताए गए हैं। इन आरोपियों के पास 2-2 किलो के 51 पैकेट मिले हैं और इस गांजे की डिलीवरी राजस्थान की जाती है। यह इंदौर के रास्ते उज्जैन, आगर और सुजनेर होते हुए राजस्थान जाते हैं। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अगर कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस उस पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। साथ ही अगर किसी तरह की कोई अवैध संपत्ति या इस तरह की कोई शिकायत आती है, पुलिस उसको भी कानूनी परिधि के अंतर्गत उस पर भी कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ अगर कहीं से किसी दूसरी जगह पर कोई प्रकरण कायम होता है और यहाँ पर लगता है कोई शिकायत है या उससे संबंधित कोई सूत्र यहाँ पर जुड़ा है या उसको किसी भी तरह की यहाँ पे लोकल स्थानीय पुलिस की मदद की ज़रूरत है, पुलिस तत्परता से उस पूरे कार्य में सहयोग देगी। सर, 30,000 का इनामी बदमाश है, तो सर उसको ढूंढने के लिए जैसे आजकल उसके जो लोग पकड़ाए हैं तो उसके इंदौर आने की भी जानकारी से लगी, तो इसको लेकर कोई टीमों का गठन किया है सर कि इंदौर में कहीं पकड़ाने की संभावना? देखिए, पुलिस जो है किसी भी अपराधी के लिए पकड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। अगर किसी भी तरह की कोई सूचना मिलती है, किसी भी तरह की कोई अगर जानकारी मिलती है या कोई भी किसी भी जिले में अगर कोई कार्रवाई होती है और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं कुछ सूचनाओं से जुड़ी हो सकती है, चाहे सूचना का संकलन हो, सूचना को साझा करने की बात हो, आरोपी को पकड़ने की बात हो, पुलिस पूरी तरह से तत्पर है और इसमें आगे बढ़कर भी कार्रवाई करेगी। उनके परिवहन को पकड़ने की बात हो, उसी कड़ी में आज नारकोटिक्स के एक बड़े खेप को पकड़ा गया है। यह उड़ीसा से आता था और मुख्य तौर पर राजस्थान जाता था। इस पूरे कड़ी में यहाँ पर कुछ सड़क मार्ग से निकलने की सूचना थी। जो मुख्य इसमें दो आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी है सईदुल्ला और दूसरा ओम प्रकाश, ये राजगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पास उड़ीसा से ये खेप आती थी, आने के बाद वहाँ से परिवहन करके उसे राजस्थान पहुँचाते थे और इस कड़ी में ये यहाँ पर लेकर के जा रहे थे। लगभग 1 क्विंटल 2 किलो के पूरी खेपे है जो अभी पकड़ी गई है। इस खेप की कीमत जो है बाज़ार मूल्य है लगभग 25 लाख रुपये से ज़्यादा है। इतने की गांजे की खेपे ले जा रहे थे। इसमें पुलिस को जैसे ही पता लगा, इसमें 2 बोरियां जो थी 51 किलो की, उसमें क्राइम ब्रांच ने, जिसमें एक टीम गठित की गई थी क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी राजेश नंदुटिया के नेतृत्व में, उन्होंने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई और पुलिस को रंगे हाथ से पकड़ा। साथ ही साथ इस पूरे गैंग से भी जानकारी मिली है कि पूर्व में भी ये परिवहन करते रहे, 2-3 बार और इन्होंने परिवहन किया है। इसमें पहले के भी कुछ लोगों की जानकारी निकाली गई है जो कि उड़ीसा से इनको भेजते थे और साथ ही साथ जो परिवहन को आगे राजस्थान में ले आते थे उनकी भी डिटेल्स निकाली गई है। इस पूरे गैंग का एक पूरा इसमें भंडाफोड़ इसमें किया गया है और निश्चित तौर पे इसके मिले जाने से एक अवैध ड्रग्स के NDPS के एक बड़े गिरोह का इसमें ये होगा प्रपात होगा। जो व्हीकल जो लोग यूज करते थे, राजगढ़ की व्हीकल थी, राजगढ़ से ये परिवहन लेकर के वहाँ से उड़ीसा की व्हीकल्स में राजगढ़ तक आते थे। वहाँ पे चूँकि लोकल सप्लाई करने के लिए यहाँ से MP की अपनी गाड़ी में लेकर के यह गैंग इसको राजस्थान तक जाता था, तो इसको इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ सूत्र ऐसे मिले हैं जो कि पहले उड़ीसा से इस खेप को लाने में इनकी मदद करते थे और राजस्थान में जहाँ ले जाते थे उस जगह का भी इसमें पता चला है। तो इन सारे जगहों पर पुलिस ने इस रास्ते को भी एक पुलिस ने रूट पे चार्ट तैयार किया है जहाँ से अवैध परिवहन होता है। इस पूरे रास्ते पर पुलिस की पूरी नज़र है और आने वाले दिनों में एक और बड़े गैंग और इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों का भी इसमें खुलासा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।